हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीड फॉर गेमर्स डब्ल्यू डब्ल्यू ई स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप गोल्ड रश, जिसके टाइटल होल्डर यहाँ पे द यूसोस हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब ये तो पहले से द यूस है जो टाइटल होल्डर है। इनसे देखते हैं कि ये जो खिलाड़ी हमने इधर जिनके तरफ मैच हमने इकट्ठा कर रखा है, आप देख सकते हैं सीना वगैरह सारे हैं, तो इनमें ही मैच होगा। देखते हैं लास्ट तक कौन पहुँचता है फिर द यूसोस से फाइट करके गोल्ड रश का डब्ल्यू डब्ल्यू चैम्पियनशिप कौन मतलब अपने पास रखता है परमानेंटली। तो फिलहाल आज डे वन है, ये मैच चलेगा करीबन आठ दिन का मैच है यूनिवर्सल डब्ल्यू डब्ल्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैम्पियनशिप का जो टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, 8 दिन का है। तो आज वो पहला दिन है, तो फिलहाल अब मैच अपना स्टार्ट करते हैं, जिसकी फाइट होने वाली यहाँ पे वीर महान ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे अपने जो खिलाड़ी हैं तो इनके बीच फाइट स्टार्ट करवाई दी। अब फिलहाल चलो स्टार्ट मैच। तो फाइनली मैंने यहाँ का आज का मैच स्टार्ट कर दिया एक्सट्रीम टैग एक्सट्रीम रूल्स टैग में, जिसके अंदर रोमन रिंग्स सोलिसिका वर्सेस इंडियन प्लेयर वीर महांस। तो फिलहाल हो चुका हमारी फाइट स्टार्ट, देखते हैं कि आज के इस टूर्नामेंट के पहले दिन के मैच में कौन जीतता है, कौन लेके जाता है। फिलहाल दोनों चारों खिलाड़ियों के बीच फाइट, और आते ही रोमन ने जिंदर महान की हालत डाउन कर दी। ओहो, आते ही उन्हें भाई गिरा दिया यहाँ पे। फिलहाल वीर महान भी पीट रहे हैं साइड में, सोलो सिकाओं ने उनकी हालत डाउन कर दी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए रोमन रिंग को पीट रहे जिंदर महान, महान्स दोनों देखते हैं, महाल एक महान है एक महाल। तो फिलहाल ओ भाई साहब, जिंदर महाल को रिंग के बाहर ही फेंक दिया सोलो सिकाओं ने, और यहाँ पे टैग पिनफॉल कर ही रहे थे वीर महान के साथ, लेकिन नहीं इतना जल्दी तो पिनफॉल होने से रहा। और स्मैकडाउन के इस चैंपियनशिप में टूर्नामेंट का पहला दिन, जिसमें आप देख ही सकते हैं महान खिलाड़ी जिसके अंदर रोमन रिंग्स की टीम और वीर महान की टीम है। तो ओ भाई साहब पड़ गए यहाँ पे रोमन के, बड़ी खतरनाक। और यहाँ पे फिलहाल वीर महान की हालत डाउन कर रखी है सोलिसिकाओं ने। मजा आएगा, ये मैच चलेगा पूरे 8 दिन, बहुत ही मजा आएगा पूरी टूर्नामेंट। देखते हैं आखिर में कौन होल्डर होता है टाइटल होल्डर मैच। और ये वन भाई साहब एक्सट्रीम रूल है, तो यार जब तक हथियार ना चले मैच के अंदर तब तक तो एक्सट्रीम रूल का कुछ समझ ही नहीं आता। और यहाँ पे भाई लॉक लगा दिया, बहुत गंदा वाला है, देख सकते हैं रोमन की हालत डाउन ही कर दी वीर महान ने फिलहाल वीर महान तो सोलो सिकाओं से नीचे पिट रहे हैं यहाँ पे रिंग के बाहर। ओ भाई साहब इस पैर दे दिया यहाँ पे रोमन रिंग को जिंदर महान ने तो भाई साहब कसम से, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कर लिया रोमन रिंग ने, वो अलग बात है। और रिवर्स करते ही देख सकते हैं कितनी बुरी हालत कर दी वीर महान ने, पकड़ा पीछे से रोमन को और उठा के ये लंबा लॉक, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सोलो सिकाओं ने जिंदर महाल को रख दिया, पीछे से फिर से वीर महान ने पकड़ा सोलो को, बहुत ही बढ़िया भाई, दोनों प्लेयरों को अच्छे से पटका उठा के। तो यहाँ पे तो अलग ही सीन चल रहा है इनके बीच। गजब ही चल रहा है भाई इनके बीच फाइट। ये तो अलग ही सीन चल रहा है। ओहो, सोलो सिकाओं ने तो भाई साहब वीर महान को स्पेयर ही दे दिया। और फिलहाल नीचे आप देख सकते हैं कि जिंदर महान रोमन रिंग से पिट रहे हैं, यहाँ पे ऑडियंस का अलग ही माहौल चल रहा है भाई। ऑडियंस ने 2 स्टार दे दिया यहाँ पे। और ये क्या पिनफॉल, 1 2। ओहो भाई साहब, अभी तो यहाँ पे मैच जीत जाते रोमन की टीम, लेकिन वीर महान ने रिवर्स कर लिया। और यहाँ पे भाई हथौड़ा लेके पड़ गई भाई जिंदर महान के हथौड़े। फिलहाल रेफरी की पिनफॉल स्टार्ट, 1 2। दोबारा से वीर महान ने रिवर्स कर लिया, और देखा जाए तो अभी सिग्नेचर आ चुका है वीर महान के पास, रोमन और सोलो के पास भी एक एक सिग्नेचर है। यहाँ देखा जाए तो भाई वीर महान की टीम तो बॉडी पूरी पीली हो चुकी है। ओहो, ये लॉक ही लगाने जा रहे थे पीछे सोलो से, कौन बहुत ही बढ़िया जिंदर महान, परफेक्ट भाई परफेक्ट टाइमिंग से सोलो सिकाओं में रख दिया, क्या बात है। अब तो यही कहूँगा रिंग के अंदर आ जाओ, क्योंकि अकेले यहाँ पे वीर महान पता नहीं रिंग के बाहर क्या ही कर रहे हैं, ये नहीं कि जाके अपने पैर की हेल्प करें। ओ
परफेक्ट भाई, जिंदर मान ने दोनों की हालत डाउन कर दिया। ओहो भाई बहुत ही बढ़िया जिंदर मार, बहुत बढ़िया रिवर्स, क्या बात है। पीछे से भाई साहब सोलो सुखा उन्हें रख दिया जिंदर मार में, लेकिन यहाँ पे भाई वीर मान ने उनकी हालत डाउन कर दी, ग्लीटिन दे दिए, लेकिन रोमन रिंग बहुत ही बढ़िया रिवर्स कर लिया वीर मान ने, रिवर्स तो कर तो लिया लेकिन रोमन ने दोबारा बहुत ही बढ़िया भाई, क्या रिवर्सिंग है, दो दो बार रिवर्सिंग फेंक दिया। ओहो अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रोमन ने भाई साहब हालत डाउन कर दी जिंदर मान की, और ये गए तोड़ दिया भाई बैट। ओहो अलग ही, ओ भाई ये क्या सीन चल रहा है, अलग ही सीन चल रहा है, दे मुक्के पे मुक्के पड़ रहे यहाँ पे भाई, दोनों प्लेयर की टीम, दोनों टीम के प्लेयर्स किसी से भी कम नहीं है, कोई पीट रहा है तो कोई कभी पिट रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल वीर मान ने तो भाई ये क्या सोलो सिकाओ को, ओहो रिंग के बाहर कुछ ज़्यादा ही डैमेज मिलता है इन प्लेयर्स को। अब ये तो लगता है इन्होंने रिंग तो छोड़ ही दिया भाई, रिंग के बाहर ही लड़ रहे हैं सारे के सारे प्लेयर। स्मैकडाउन बहुत, ओहो वीर महान बहुत ही बुरी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा। फिलहाल वीर महान को सोलो सिकाओ ने रिंग के अंदर फेंक दिया है, अब यहाँ पे कुछ सामान ही निकाल रहे हैं, और रोमन रिंग दोबारा से रिंग के अंदर इन्होंने कर ली एंट्री। यहाँ पे भाई सारे प्लेयर बारी बारी से रिंग के अंदर जा चुके हैं, यहाँ पे टेबल भी निकाल लिया गया है, टेबल के बाद भी सोलो सिकाओ रुक नहीं रहे हैं, कुछ और भी सामान इनको लगता है कम पड़ रही है, और कुछ नहीं निकाला, बस टाइम पास करा इन्होंने। और ये था रोमन ने तो भाई जिंदर महान को रिंग के कॉर्नर में फेंक दिया फिनिशर देने के लिए, पर यहाँ पे भाई वीर महान ने बचा ही लिया आखिरकार अपने प्लेयर को। रेफरी की काउंटिंग इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी सारे के सारे प्लेयर इतने भी डैमेज नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं रोमन रिंग की बॉडी पूरी लाल कर दी है वीर महान्स की टीम ने। ओके ओ भाई परफेक्टली क्या पड़ा यहाँ पे, क्या पंच मारा वीर महान ने सोलो सुखाओ को, एक ही पंच में हालत डाउन कर दी। और ये रेफरी 1 2 अरे ये क्या, अच्छा चलो सही है वीर महान ने बचा लिया, रोमन रिंग पिनफॉल कर रहे थे, लेकिन ये क्या वीर महान को लग गई इस बार, सुप्लेक्स पड़ गई, और भाई सर भी लाल कर दिया रोमन ने। ओ भाई ये अलग ही सीन कर दिया वीर महान के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा जिंदर महान क्या ही कर रहे हैं, रिंग के बाहर घूम रहे हैं, नहीं आके अपने प्लेयर को बचाएं। ओहो बहुत ही बढ़िया, जे यूसो कुछ निकाल ही देते और रख दिया यहाँ पे कैंडलस्टिक, और यहाँ पे पड़ चुकी है सुपरमैन पंच और एक स्पेयर, और वीर महान पूरे के पूरे स्टन लगा दिया रेफरी ने काउंटिंग 1 2 और ये 3। तो भाई इस मैच के विनर है यहाँ पे रोमन रिंग्स एंड सोलो सिकाओ, बहुत ही बढ़िया मैच चला। फिलहाल ये टीम सोलो रोमन रिंग्स की टीम जीत चुकी है आज के पहले इस टूर्नामेंट के पहले डे में, पहले दिन के जो मैच थी रोमन रिंग्स की टीम जीत चुकी है, और वीर महान की टीम इस मैच से नॉकआउट हो चुकी है, अब वो इस मैच से जा चुके हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अब देखते हैं हमारा जो चार्ट है, जो टूर्नामेंट का चार्ट है, इसमें देखते हैं कि कौन से क्या खिलाड़ी हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पहले टीम जो पहले मैच में, पहले डे के मैच में रोमन रिंग्स वर्सेस वीर मांस की टीम में से रोमन रिंग्स जीत चुके हैं, और सोलो सिकाओ भी, तो अगले राउंड में जा चुके हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि सबसे आखिरी में जो जीतेगा उसकी फाइट होगी द यूसोस टाइटल होल्डर्स के साथ, क्योंकि गोल्ड रस का जो चैम्पियनशिप है वो उनके पास है परमानेंटली, अभी जे यूसो के पास है यहाँ पे टाइटल होल्डर, तो जो जीतेगा वो इनसे लड़ेगा, इनसे लड़ने के बाद जो फाइनली जीतेगा वही टाइटल होल्डर होगा। तो आज के मैच में बस इतना ही, टूर्नामेंट के पहले डे में सभी का स्वागत है, देखते हैं कि नेक्स्ट डे में जो फाइट हमारी यहाँ पे होगी नेक्स्ट डे में आरके ब्रोस वर्सेस द ब्रदर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो वो वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए बाय, आप सभी का दिन शुभ हो।